हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, सीएम के सामने सैमसंग की टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, इसका क्या है, स्पिन ऑन नहीं हो रही है। हालांकि ये वॉश करती है और स्पिन ऑन नहीं होती, तो स्पिन अगर ऑन नहीं होती है, ड्रम नहीं घूमता है, तो वहाँ पे क्या दिक्कत होती है और आप उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक कर सकते हैं और क्या प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हैं। मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा। आपको कहना है इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच कर लेना है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना है। तो अभी फिलहाल क्या, हमने इसको स्पिन को ऑन कर दिया और ये क्या 5 टाइमिंग तक जाती है। इसके बाद ये आप देख रहे हैं ड्रेन मोटर जो होती है अपनी तरफ, इसका जो ड्रेन कॉक होती है उसको अपनी तरफ खींचती है, उसके बाद ये छोड़ देती है। इस तरीके की ये दिक्कत आ रही है, तो आप देख रहे हैं यही मतलब दिक्कत आ रही है बार बार। ये क्या होता है, ड्रेन मोटर जो होती है अपनी तरफ इसको खींचती है, उसके बाद ये जो दोबारा है अपने आप ही छोड़ देते हैं। तो इस तरीके की अगर दिक्कत आ रही है और अगर इसके बावजूद भी ड्रम नहीं चल रहा ये ठीक कर दें, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, मतलब स्पिन मोटर आपके कपड़े जो है ड्रायर नहीं कर रही, तो वहाँ पे क्या दिक्कत हो सकती है। अभी फ़िलहाल आपके सामने ये दिक्कत, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। और आपके सामने भी अगर ये फॉल्ट आ रहा है तो आप बहुत ईजिली तरीके से, जैसे कि मैं आपको बताऊँगा, वैसे ही आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल आप देख रहे हैं बार बार यही दिक्कत आ रही है, इसकी जो ड्रेन मोटर है अपनी तरफ ड्रेन कॉक को खींचती है, मतलब पानी आउट होना चाहिए, बट क्या है, उससे पहले पानी आउट नहीं होता, उससे पहले ये फिर देखो छोड़ देती है। ये दिक्कत आ रही है बार बार, यही दिक्कत आ रही है। और इसकी जो टाइमिंग है वो भी माइनस में जाती है कंटिन्यू, उसके बाद क्या है, 1 पे चली जाती है, 2 पे चली जाती है, उसके बाद भी मतलब इसका जो ड्रम है वो नहीं घूम पा रहा है। तो ड्रम जब तक नहीं घूमे, जब तक इसका पानी आउट नहीं हो जाए। और सबसे पहले मैं आपको ये जैक है इसको मैं डिस्कनेक्ट कर दिया है ट्रेन मोटर में जो लगा है। इसमें क्या है, ट्रेन मोटर जो होती है 220 एसी वोल्ट पे रन करती है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको देखना है पीसीबी जो है कंटिन्यू यहाँ तक वोल्टेज मतलब सप्लाई ऑट कर रही है या फिर नहीं, ये चीज़ आपको चेक करना है। तो यहाँ तक क्या है, 220 वोल्ट एसी आना चाहिए, सबसे पहले स्पिन ऑन करना है। उसके बाद यहाँ पे आप नोट करेंगे कि यहाँ पे 250 से 254 एसी वोल्ट यहाँ पर आना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे 230 से 200 एसी वोल्ट आना चाहिए। यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, 254 इस तरीके से यहाँ पे वोल्टेज शो हो रहे हैं। तो ये वोल्टेज जो है पीसीबी अगर सप्लाई ऑट करिए, कंटिन्यू आपको देखना है, तकरीबन आप 5-10 मिनट देख लें, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ तक कंटिन्यू वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहा है, या फिर ऐसा तो नहीं कि बीच में कम हो जाते हैं, ये भी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है, ये आप देख रहे हैं 254 255 इस तरीके से यहाँ पे वोल्टेज सो रहे हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है, फिलहाल हमें काफ़ी देर तक वोल्टेज चेक करें और वोल्टेज यहाँ तक ठीक है। ये चीज़ हमें क्लियर होगी कि यहाँ पे पीसीबी जो है सप्लाई आउट कर रही है कंटिन्यू इस ड्रेन मोटर को। अभी इसमें जो दिक्कत है वो मैं बताऊंगा, बट इससे पहले जो मैं आपको बताऊं वो आप समझ लें कि आप उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। ये पहला तरीका है जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको पीसीबी से देखना है कि वोल्टेज यहाँ तक ऑड कर रही है पीसीबी या नहीं। तो यहाँ तक हमने काफ़ी देर तक इसके वोल्टेज देखे, तो 254 255 एसी वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं, मीटर भी आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया कि यहाँ तक वोल्टेज जो है पीसीबी सप्लाई ऑड कर रही है। उसके बाद जो है क्या दिक्कत अब है यहाँ पर, जो इसका ड्रम नहीं घूम रहा है। तो यहाँ पे क्या है, मैं एक दूसरी मशीन है, मैं आपको उसको भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, 4 पे है, आप देख रहे हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे मैं इसके भी वोल्टेज आपको चेक करके दिखाऊंगा। ये भी सैमसंग की है टॉप लोड वॉशिंग मशीन, इससे पहले जो है वो भी सैमसंग की टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ पे क्या है, मैं आपको इसके भी वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे वोल्टेज कितने आ रहे हैं। इसका जो जैक है मैंने लगा दिया, उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है वोल्टेज यहाँ पर आना चाहिए। तो ये जो है मैंने दोनों नॉब इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर दिए, उसके बाद एसी बोर्ड पे इसको सेलेक्ट किया है। ड्रेन मोटर दोनों में सेम ही है, वही वॉशिंग मशीन, और ये भी बस थोड़ा मॉडल में चेंजिंग है, बाकी सारी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक वोल्टेज जो है वोल्टेज आना चाहिए 220 से 230 एसी बोल्ट यहाँ तक आना चाहिए। अगर यहाँ पर वोल्टेज पूरे नहीं आते तो वहाँ पर क्या दिक्कत होती है वो मैं आपको क्लियर तरीके से बता दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, इसकी जो ड्रेन मोटर लगी आप देख रहे हैं, यहाँ पर ड्रेन मोटर है, ये 220 से 240 एसी वोल्ट पे रन करती है। इस ड्रेन मोटर को भी मैं आपको डायरेक्ट चेक करके दिखाऊंगी आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि अगर ये ख़राब है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले ये जो है मैं आपको वोल्टेज को चेक करके दिखाऊंगा, बट उससे पहले इसका जो काम है वो समझ लें। ये जो होता है क्लिस जो होता है अपनी तरफ खींचती है ड्रेन मोटर, उसके बाद सारा पानी आउट हो जाता है पाइप के जरिए। उसके बाद जो होता है जब इस तरीके से ये देखें आप गरारी इस तरीके से ये हटती है, ठीक है। ये गरारी जब हट जाती है उसके बाद जो होता है इसका गियर बॉक्स फ्री हो जाता है, फिर उसके बाद जो होता है पूरा ड्रम इसका रोटेट करता है, मतलब पूरा ड्रम घूमता है। ये काम होता है सारा पानी निकल के, उसके बाद जो है स्पिन मोटर जो है आपकी रन करने लगती है, पूरा ड्रम घूमने लगता है, ड्रम के साथ जो हब होती है वो भी घूमती है। ये वर्किंग है इसकी, इस तरीके से ये ड्रेन मोटर काम करती है। तो ये जो ड्रेन मोटर है, अगर ड्रेन मोटर आपकी ख़राब होती है तो आप डायरेक्ट कैसे चेक करेंगे वो भी आपको क्लियर कर दूंगा। प्लस इसमें अगर आपका ड्रम नहीं घूमता है, आपकी पीसीबी जो है सप्लाई आउट कर रही है, उसके बाद भी अगर ड्रम नहीं घूमता है तो वहाँ पे क्या दिक्कत होती है, ये चीज़ भी आपको क्लियर कर दूंगा।
ऐसा एक चीज़ और ध्यान रखें, ऐसा भी होता है कभी कभी ऐसा इसके अंदर ट्रेन जो असेंबली ट्रेन कॉक होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी जमा होता है, पानी गंदगी जमा होता है, पानी नहीं निकल पाता है, तब भी ये दिक्कत आती है। तो आप ट्रेन कॉक जो होती है इसको ओपन करके अच्छे से देख लें, नीड एंड क्लीन कर दें, या आप जो देख रहे हैं ट्रेन मोटर इसको खोल दें, इससे कि वहाँ पे अगर कोई डस्ट है गंदगी है वो निकल जाए। तो इसकी जो वर्किंग है वो ये है, पहले आप पानी को आउट करती है, उसके बाद जो गरारी होती है जो क्लिज होता है वो हट जाता है, उसके बाद ये पूरा ड्रम घूमना रोटेट करता है, मतलब इसके पल्सीटर में जो एक हब लगी होती है, वैसे क्या है बॉस पे क्या होता है, केवल जब हम बॉस करते हैं तो वहाँ पे हब और पल्सीटर इसका घूमता है, बट ड्रेन मोटर जब हम ड्रेन पानी आउट करता है जब स्पिन पर होती है तो इसका पूरा ड्रम हब के साथ घूमता है। तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि ड्रेन मोटर में जो है 220 सप्लाई आउट होना चाहिए, यहाँ तक पीसीबी सप्लाई आउट करना चाहिए। अगर वोल्टेज कम आते हैं तो वहाँ पे क्या दिक्कत होती है, ये भी चीज़ आप समझ लें। तो यहाँ तक जो वर्किंग है मैंने आपको ए टू जेड बता दी है कि वर्किंग क्या होती है। अगर इसका कैपेसिटर वीक होता है तो वहाँ पे क्या होता है, इसका ड्रम जो होता है कपड़े अच्छे से नहीं सुखा पाता है, क्योंकि ड्रम ज़्यादा तेज नहीं चलता है, ये भी दिक्कत आती है। तो ये आप देख रहे हैं ड्रेन मोटर जो है इसके जस्ट पास में कैपेसिटर लगा होता है, वो आपको दिख रहा है जो जैक के पास में लगा है, जो जैक निकाल दी, यहाँ से क्या सारा पानी आउट कर दी। आपको इस चीज़ ध्यान रखना है, अगर गंदगी है कॉइन वगैरह फंस जाते हैं इसको खोल के सारी चीज़ निकाल दें अच्छे से नीड एंड क्लीन करके। अगर आपकी ड्रेन सील में गंदगी है या ड्रेन सील कट गई तो आप इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जब तक पानी आउट नहीं होगा तो आपकी मशीन जो है ट्रेन नहीं करेगी, कपड़े नहीं सुखाएगी। तो पानी जब निकल जाएगा उसके बाद ही ये स्पिन चलेगी, कपड़े आपके सुखाएगी। तो इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई कि आप जो है इसका जो है ऐसे उसको ठीक कर सकते हैं कि पानी अगर नहीं निकल रहा है, पानी जब तक नहीं निकल रहा है तब तक ये दिक्कत रहेगी। अभी क्या है फिलहाल मैं इसका जैक जो है वो डिस्कनेक्ट करती हूँ, उसके बाद आपको वोल्टेज इसके भी चेक करते दिखाता हूँ कि वोल्टेज यहाँ पे कितने आ रहे हैं। दोनों जैक यहाँ लगाना है, एसी बोर्ड पे इसको मीटर को सेलेक्ट करना है। इससे पहले आपको दिखाया था कि 254-255 एसी बोल्ट आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वोल्टेज पूरे नहीं आते हैं, वोल्टेज कम आते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वोल्टेज जो है वो कम आ रहे हैं। कम वोल्टेज क्यों आ रहे हैं, क्या रीज़न, ये चीज़ आप क्लियर तरीके से समझ लें कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि वोल्टेज कम क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे तकरीबन आप देख रहे हैं 58 इस तरीके के वोल्टेज हो रहे हैं, मतलब 58-57 इस तरीके से वोल्टेज सो रहे हैं। अगर ये वोल्टेज यहाँ कम आते हैं, वोल्टेज इस तरीके से कम होते हैं 56 इस तरीके से वोल्टेज आ रहे हैं, मतलब वोल्टेज हाफ आ रहे हैं, तो क्या दिक्कत होती। तो आप सबसे पहले वायरिंग को चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप वायरिंग देखेंगे, वायरिंग कहीं से कटवर्ट नहीं है, ए टू जेड वायरिंग निकालेंगे, उसके बाद वायरिंग चेक करेंगे अच्छे से। अगर वायरिंग कट होगी तो वहाँ पे वोल्टेज हाफ पहुँचेंगे, या फिर वायरिंग में बहुत ज़्यादा कार्बन है, जंक आए हुए हैं, वायरिंग जो वायर हैं जंक आ गए, या फिर कार्बन बहुत ज़्यादा होता है, तब ये दिक्कत आती है कि वहाँ पे वोल्टेज जो होंगे बहुत ज़्यादा कम वोल्टेज वहाँ पे पहुँचेंगे। तो सारी वायरिंग आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर लें, और 4-5 डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा, वो वीडियो जरूर देख लें। या आप देख रहे हैं अगर आपका वायर कट होता है तब भी ये दिक्कत आती है कि आपका ड्रम जो होता है वो रोटेट नहीं होता है, ड्रम नहीं घूमता है, ये दिक्कत आती है। तो आप स्टेप बाय स्टेप हर एक वायरिंग चेक कर लें, जैसे कि यहाँ पर वायरिंग कट हुई है मैंने आपको दिखाया है कि आप इस तरीके से चेक कर लें। यहाँ पर फिलहाल जैक के पास वायर कट है, तो आप वायरिंग ए टू जेड वायरिंग ओपन करके उसको अच्छे से चेक कर लें, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, क्लियर आपको समझ आ जाए इसमें फॉल्ट क्या है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि आपको वायरिंग देखना है, वायरिंग जो है इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अगर वायरिंग आपकी कट है तो आप उसको अच्छे से टेपिंग करते हैं, और उसके बाद जो इसके कैपेसिटर के वायर जाते हैं, अगर कैपेसिटर आपका वीक होता है या कैपेसिटर के वायर हट जाते हैं, तब भी आपका ड्रम जो होता है वो रोटेट नहीं होता है, और ड्रम जो होता है आपका रुक जाएगा, क्योंकि आपका वहाँ पे स्पिन नहीं होगा या फिर बॉस भी नहीं होगा अगर वायर कट होंगे। तो वायर को आप अच्छे चेक कर लें, वायर छील के अच्छे से टेपिंग कर दें, या फिर सोल्डिंग करके आप टेपिंग कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, वायरिंग में कहीं भी अगर कार्बन है तो वायर आप भी चेंज कर दें पूरा, क्योंकि वायरिंग में अगर कार्बन होता है तब भी वो दिक्कत देता है, बीच में अच्छे से वो काम नहीं कर पाता, अच्छे से उसके वोल्टेज और नहीं हो पाते हैं। तो आप उस चीज़ को भी देख लें कि कार्बन नहीं होना चाहिए वहाँ पर, अच्छे से टेपिंग कर दें, अच्छे से उसको टेपिंग करके उसके बाद आप अच्छे से उसको फिट भी कर दें, और टाई क्लिप से बांध दें कि वायर भी कट नहीं हो, क्योंकि मोटर से भी वायर कट हो जाता है अगर वायरिंग ज़्यादा ओपन है, वायरिंग ज़्यादा लूजिंग है, वायरिंग मोटर के जो पुली होती है उसमें टच है, तब भी वायर कटने के चांसेस रहते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखें, अच्छे से आप फिट करें, जिससे कि वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अभी फिलहाल मैं इसको जो है आपको दिखाता हूँ ऑन करके, तो मोटर इस तरीके से चल रही है, यहाँ पर वायर कट थे इसी वजह से ये दिक्कत आ रही थी कि इसकी जो है
बॉस भी नहीं चल रही थी, स्पिन भी नहीं चल रही फिलहाल। अभी मैं आपको क्या है स्पिन का सारा बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है स्पिन मोटर को आप कैसे चेक करेंगे, 220 डायरेक्ट वोल्ट यहाँ पर देंगे, उसके बाद मैं स्विच ऑन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है 220 इसको मैंने ऑन कर दिया जी, आप देख रहे हैं फीता अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगी। अगर ये ड्रेन मोटर कंटिन्यू फीता अपनी तरफ खींचती है इस कंडीशन में आपकी ड्रेन मोटर ओके, कोई दिक्कत नहीं। मैंने दोबारा निकाला, उसके बाद आपको दोबारा इसको ऑन करके दिखाता हूँ। फिलहाल मैंने ऑन कर दी, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अगर इसका कैपेसिटर वीक होगा तो भी ये जो होगा अच्छे से मतलब मूव नहीं करेगा, ड्रम नहीं घूमेगा। तो कैपेसिटर अगर वीक होता है तो आप उसको भी रिप्लेस कर दो, आपकी जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। अभी फिलहाल क्या है यहाँ पर जो इससे पहले अब मैंने वॉशिंग मशीन दिखाई थी उसमें जो दिक्कत आ रही थी बार बार ड्रेन फीता मतलब अपने आप ही छोड़ दे रही थी, इसमें क्या है ड्रेन मोटर की दिक्कत है। तो ड्रेन मोटर हम रिप्लेस करके उसके बाद आपको दिखाते हैं। फिलहाल यहाँ पे क्या है दो स्क्रू होते हैं, इनको आपको ओपन कर लेना है इस तरीके से। एक नीचे की साइड होता है वो भी आप ओपन कर लें, ये दो आप दिख रहे हैं स्क्रू, इन दोनों को अच्छे से आपको रिमूव करना है। उसके बाद जो नीचे है नीचे वाला भी आपको रिमूव कर देना है। नीचे भी दो स्क्रू हैं, ये पूरी प्लेट बाहर आ जाएगी। उसके बाद एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जिस तरीके से आप जैसे कि मोटर आप इसको निकाल लें, इसका जो ड्रेन फीता होता है जिस तरीके से लगा होता है उसी तरीके से आपको फिट करना है, मतलब जैसे आपको निकालना है वैसे ही आपको फिट करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा मैं बारीकी से दिखाऊंगा जिससे कि वहाँ पे कैसे क्या होता है, अगर ड्रेन फीता जो होता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो वो कंटिन्यू पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है मतलब बॉस पे भी। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको मैं ओपन करूंगा, उसके बाद जो फीता है इसका जैसे कि इसमें लगा होता है ड्रेन, जब ये फीता जो है अपनी तरफ खींचता है तो उसके बाद पानी निकलना स्टार्ट। तो इस तरीके से आपको लगाना, ये देखें आप होल में फिट कर देना, उसके बाद ये इसी तरीके से आप फिट करेंगे ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिट करके वगैरह सब कुछ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इस तरीके की ये मोटर है, मोटर में हम दूसरी लेंगे सैमसंग की सेम, और वो इसमें इंस्टॉल करके फिर मैं ऑन करके मशीन फिर आपको दिखाता हूँ कि आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं बाद में, तो ये दिक्कत नहीं रही जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई। यहाँ पे क्या है 220 से 240 एसी बोल्ट पे मैंने पहले आपको बता दिया है। सबसे पहले आपको बोल्ट को चेक करना है कि कितने बोल्ट पे ये रन करती है। कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो डीसी बोल्ट पे भी ये ड्रेन मोटर रन करती है, वो इन्वर्टर मोटर वॉशिंग मशीन में होती है कुछ में वो भी। तो यहाँ पे क्या हमने सब इंस्टॉल कर दिया, स्क्रू वगैरह लगा दिए, इसका फीता जो हमने इस तरीके से इसमें फिट कर दिया। उसके बाद इसको जो है ऑन करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसे मतलब वर्क करती है या नहीं। तो ये जो है ऑन करता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको, ऑट कर रही थी। सबसे पहले हमें स्पिन ऑन करना है, स्पिन ऑन करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसको स्टार्ट करके। उसके बाद बैक साइड आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि इसकी जो मोटर है अब वो इसका जो मोटर है अब तो दिक्कत नहीं दे रही ड्रेन मोटर जो है। उसके बाद इसका ड्रम भी देखते हैं कि ड्रम रन करता है या नहीं। तो यहाँ से क्या है इसका जो ड्रेन मोटर है वो अपनी तरफ फिलहाल अभी तो काम कर रही है, उसके बाद ये देखते हैं कुछ देर होल्ड करके कि अब तो दिक्कत नहीं आ रही। तो आप देख रहे हैं एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और ये मशीन जो है कंटिन्यू चलना स्टार्ट होगी मतलब स्पिन करना स्टार्ट होगी। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हैं, और वहाँ पे वोल्टेज अगर कम आते हैं तो हो सकता है वायरिंग कट हो या फिर अदर कोई दिक्कत हो, जैसे कि कार्बन बहुत ज़्यादा होता है तब ये दिक्कत आती है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं कि आपका ड्रम क्यों नहीं चल रहा है। अगर ड्रम नहीं चल रहा है तो हो सकता है आपका ड्रेन मोटर ठीक हो और वहाँ पर जो है वायरिंग कहीं कट हो, तो आप उसको भी चेक कर लें। तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।